जैसे ही आप टोरा लेक की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको ये पानियों का शोर और कुछ दुकानें, कुछ होटल मिलेंगे। ये अभी हम चले हैं जैस बंडा से टोरा लेक की तरफ, और ये सामने वो ट्रैक है और कुछ होटल्स हैं जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, आपको पानी वगैरह मिलेगा। और ये ट्रैक जो है ये इतना मुश्किल नहीं है, आप आएँ। और ये सामने देख सकते हैं ये ग्लेशियर है, और ये साथ साथ नागन दरिया जो है ये बह रहा है, जिसे आबशार कहा जाता है। इन्हीं ग्लेशियर से होकर ये यहाँ जैस बांडा की तरफ, और जो आगे थल की तरफ जाएगा तो यही है वो। जी नाज़रीन, ये एक सहरंगेज़ वादी है जहाँ पर इस वक्त हम कटोरा लेक की तरफ जा रहे हैं, और ये मैदानी इलाका है। ऊपर आप देख लें, बहुत बड़े बड़े पहाड़ और ये सरसब्ज मैदान, और इसके ऊपर ये सरसब्ज पहाड़ हैं और ये सब्जा है। और सामने जो सामने वो टॉप है, वो वहाँ से जो है छोटी कटोरा लेक है। लेकिन इससे मज़ीद आगे 1 किलोमीटर, यानी सॉरी 1 घंटे का मज़ीद पैदल सफ़र करना पड़ेगा कटोरा लेक की तरफ जाने के लिए। तो ये खूबसूरत मैदान जब हमने हमने एक्सप्लोर करना होते हैं तो एक खासा टाइम, एक खासा वक्त चाहिए होता है। ये जो आपको सामने खच्चर और घोड़े नज़र आ रहे हैं, ये सामान लेकर जाते हैं वहाँ पर कुछ दुकान वालों का, और कुछ लोग जो वहाँ ठहरना पसंद करते हैं उनके लिए। जी नाज़रीन, तो पैदल जो हाइकिंग करते हुए हम खटोरा लेक की तरफ जा रहे थे, तो अभी हम जो है 20 मिनट जो है उसकी मुसाफत पर वाकई हैं, यानी कि 20 मिनट के बाद जो है वो छोटी कटोरा लेक आएगी। इससे मज़ीद जो है हमें 1 घंटे की और पैदल हाइकिंग करना पड़ेगी। कभी कभी इन रास्तों के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कभी एकदम से चढ़ाई आ जाती है, और एकदम से साफ मैदान आ जाता है, और फिर एकदम से उतराई आ जाती है। ये सिलसिला जो है तकरीबन आपके साथ 1 घंटे से जारी रहता है। और ये खूबसूरत सामने ग्लेशियर आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे यहाँ पर फूल खिले हैं, और साथ में ये सूरज की शुआएं पड़ती हैं। जब हम चल रहे होते हैं तो गर्मी फील होती है, लेकिन जब रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो ठंडा ठंडा मौसम जो है वो महसूस होता है। मज़ीद आगे चलकर छोटा कटोरा लेक, जो छोटी कटोरा लेक है उसके बारे में भी बताएंगे, और उसके बाद जो बड़ी कटोरा लेक है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आनंद मिलेगा। ओ यार, डिसीजन इतने आंदा भी ठीक नहीं सी कमराट।
जी नाज़रीन, तो जैसा कि आप हम जो हजा जासबांडा से चले थे तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे की पैदल हाइकिंग हमने की, और यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते हैं ये है छोटी कटोरा लेक। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे मज़ीद जो है 1 घंटे का सफ़र बाकी है। मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, जो क्या नाम है आपका? सलीम कोहिस्तानी। सलीम कोहिस्तानी, और क्या करते हैं आप भाईजान? भाई मैं श्रीनगर यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक में अपना मास्टर कर रहा हूँ। ओके सर। मेरा नाम मेहताब खान है और मैं भी श्रीनगर यूनिवर्सिटी से SBBU से इंग्लिश कर रहा हूँ। आपका नाम? रफीउल्लाह स्वात से। आप? तारिकुल्ला कोहिस्तानी। जी नाज़रीन, तो इन जगहों को जो है कुदरत के हसीन नज़ारों को जो है हमेशा से आश्कार करना हमारा एक पेशा रहा है, और हम चाहते हैं हम उन जगहों पे आपको लेके जाएं जहां आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इन भाईजान से पूछेंगे कि यहां तक पहुंचने में आपको क्या क्या मुश्किलात आईं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या क्या यहां पर मज़ीद होना चाहिए, शॉर्ट सा आप बयान दे दें। सो सबसे पहले तो अगर हम जगह की बात करें तो ये नेचर को बहुत करीब है, और दूसरी बात ये है कि ये जो जहाज़ बांडा है हमारे कोहिस्तान में जो दूसरे टूरिज्म स्पॉट्स है उससे कुछ ज़्यादा फैसिलिटेटेड है। लोग यहाँ पे फैसिलिटेटेड है, कुछ रास्ता ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होता है, और अगर दूसरी बात की जाए कुछ रास्ता पैदल होता है। तो मतलब ये कि ये कम्बिनेशन है दोनों जो सफ़र हैं ना, पैदल भी और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए भी। अच्छा, इसी जगह की बात करते हैं कि हम ये छोटी कटोरा लेक की अगर बात की जाए, जो जहाज़ बांडा है वहाँ जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सो ये यहाँ से तकरीबन आधा घंटे का रास्ता है, और तकरीबन सफ़र काफ़ी थकावट का नहीं रहा क्योंकि रास्ता थोड़ा था। और दूसरी बात, जो अनजान लोग हैं, हमारा खुद भी पहले दफ़ा है, मैं यहाँ कोहिस्तान का रहने वाला हूँ लेकिन पहला दफ़ा है कि यहाँ पर आया हूँ, सो हमारे लिए भी कुछ ज़्यादा जो थकावट महसूस हुई, लेकिन दूसरी तरफ इंजॉय बहुत कर रहे हैं हम क्योंकि नेचर को ज़्यादा करीब है और जो मौसम है बहुत आला तरीके। आगे क्या है प्रोग्राम है, क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे आगे? इसके बाद हम जो शंदूर का जो कटोरा मेन लेक है, वो बड़ा वाला लेक जो मशहूर है ना, हम उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे तकरीबन 1 आवर लगेगा, 1 घंटा लगेगा। जी नाज़रीन, तो चलते हैं बड़ी कटोरा लेक की तरफ, जहाँ हम एक अपने दिल के अंदर उम्मीद बनाकर निकले थे। तो अब चलते हैं और आपको भी अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। इस पूरी वीडियो को आप जो है वो वॉच करें ताकि यहाँ पर जब भी आपने आना हो आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सो देखते रहें पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। जहाँ पंजाब में इस कदर गर्मी है वहीं यहाँ कटोरा लेक, जो छोटी कटोरा लेक है, वहाँ खासा मौसम जो है वो सर्द है, और ये सामने ग्लेशियर हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख रहे हैं। साइड पे थोड़ा
चले जी करें। अस्सलाम वालेकुम। ये जी बिल्ला कोहिस्तानी है हमारे साथ और ये स्टार्ट करने सदाम हुसैन कोहिस्तानी। ये अब कश्ती जो है वो स्टार्ट होने लगी है और हमारा सफर जो है 10 मिनट का सफर अभी बाकी है। तो देखते हैं डूबते हैं कि जाते हैं। सही सही जनाब जी, भाई जी उतर जाए, ये स्टार्ट नहीं हो रही। क्यों इधर उधर ही उतारे इनको? अभी ठीक करके देता हूँ। ये जी स्टार्ट नहीं हो रही, बीचों बीच हम खड़े। कराची के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये यूट्यूबर भाई हैं बिल्ला 99 इनका यूट्यूब चैनल है और साथ में हमारे मुल्ला भाई, ये भी कराची से रणछोड़ लाइन से हैं और वो स्टार्ट कर लो ना, बाद में कर लो, अभी उधर आ जाएगी तो फिर स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।